खुलुमबाई नोंथांमोन को आंनि गुबुन मोनसे भिडियो बराय हरनाय थाबाय नमस्ते आप सबका मेरे इस वीडियो पे स्वागत है। तो मैं आज इसका सब्जी बनाऊंगी। इसको बोरो में बोमरा बोलते हैं, लेकिन सॉरी मुझे नहीं मालूम है हिंदी से क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। तो बेको सोंना गेदा बे मैगों को बेको बोमरा हन और हिंदी बाय सामिसंग मिथिया आं मा हन सो नोंथांमोना मिथिब्ला आंखौ खोन्था हरनांगोन कमेंट बॉक्स आव। तो नायलांदो नोंथांमोना आं खानानै लाबोबाय बेखौ सायनानै लानोसै। अभी मैं सब्जी को साफ कर लेती हूँ। सायनानै सुनानै लाबाय आं। सो नायसै बेहाय मा मा इनग्रीडियंट्स नांगौ। सब्जी को मैंने धोके और साफ करके ले लिया। अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या इनग्रीडियंट चाहिए। बेहाय आं ना गरान लादों। ड्राई फिश लिया है मैंने और ऑर्गेनिक सोडा खारै और नमक स्वाद अनुसार ऐसे सोंक्री और मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट सामरंग फुडेनाई और 3 चिल्ली काट के लिया है। कढ़ाई पे मैंने तेल गरम कर लिया है। सारा जानने अंथा गुदुं खामनानै लाबाय। एबार नाखौ ऐसे एवथ्रमनानै लानोसै। अभी हम मछली को थोड़ा सा फ्राई करके ले लेते हैं। थोड़ा सा नमक दे देती हूँ, अच्छे संक्री और से, और थोड़ा सा हल्दी ऐसे हल्दे और इसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छे उन्होंने लाते देखो फ्राई करना हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। ये उन्हें ऐसा भाई हमें बेबी को खाना नहीं लाते। और मैं अभी सेम कढ़ाई में ही तेल दे देती हूँ सब्जी को पकाने के लिए। अंग एक सारे उन्हें हो से इच्छे मैगों को सुनने था खाए और तेल को गरम कर लेती हूँ थाव को ढूंढन से आऊँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अभी मैं चिल्ली को दे देती हूँ थावा डुम्बाई तो आगे फामलू को एवनाने लानसे। फ्राई खालामना ऐसा भाई नेवर मैगों को हर से फ्राई करना हो गया है। अभी मैं सब्जी को डाल देती हूँ। अभी नमक दे देती हूँ स्वाद अनुसार सौंकरी हर से नांग जैसे और नमक को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। सौंकरी को अच्छे मिक्स खामना लान से अभी ऑर्गेनिक सोडा को दे देती हूँ कार को खारे को हर से नंग रहे नंग अच्छे लो। ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बस थोड़ा सा। थोड़ा ढक के रख देती हूँ ताकि इसका पानी सूख जाए और सब्जी गल जाए। खपना नहीं हन सही दिया रान नहीं नहीं अरे इसे मिगवा रुई नहीं। अभी देखते हैं कैसा हुआ है। सो सब्जी का पानी सूख गया और थोड़ा गल भी गया है। सो मिगोंग ना दिया रान बाय और इसे रुई बाय। सो मैं अभी यहाँ पे पानी डाल देती हूँ स्वांग दुई होर से इच्छे। अभी थोड़ा ढक के पका लेती हूँ। खपना नहीं हंसे आंग खपना नहीं रोचे सोंसे देखते। अभी चेक करते हैं मैगों को ना ऐसे तो मैगों ऐसे रुई बोनांगो गिबले बोनांगो सो दाली खाता जंग आंग साना नहीं बिको ऐसे रुई बाऊं से। अब सब्जी थोड़ा और गलना चाहिए तो मैं इस वुडन हैंड ब्लेंडर से मैं थोड़ा सा सब्जी को और गला लूँगी।
हो गया, एकदम अच्छे से गल गया है। सावे एकदम मजा रुई भाई के बले भाई सॉन्ग नाखो हर से। अभी मैं मछली को दे देती हूँ। अभी यहाँ पे गार्लिक पेस्ट दे देती हूँ सामरंगू फुटेना को हर से। और थोड़ा सा और पानी दे देती हूँ ताकि मछली और सब्जी अच्छे से पके। ऐसे दई हर बोवे आंग ना आरो मई को मजाइन मन नाइनी सो धक्के इसको पका लेती हूँ। सो खपना नहीं से संभव से। सो ना इसे बार कैसा हुआ है, सब्जी अच्छे से पक गया है और मई को मजाइन मन भाई आरो जब भाई सभी को खाने लानसे आंग। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। रेडी जबाय जोंना बमरां क्रिया माने जाने जोबोद गोथाव जायो आरो बिराद यूजफुलबो देहानि थाखाय गोबां माने मेडिसिनेलि यूज जायो आरो रेमेडिसबो दङ बिरादनो। सो बेखौ माने एबडमिनेल पेन बा खर' सानाय बा चेस्ट पेनफ्राव यूज जायो। बे साइन्टिफिक नेम आरो आं फट'खौ होनानै होबाय नोंथांमोनहा नायनो हागोन। सो इसको खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत मेडिसिनल यूज़ भी है, यूज़फुल भी है। वैसे ही लेफी वेजिटेबल बहुत यूज़फुल होता है सेहत के लिए। सो इसको चेस्ट पेन या एब्डोमिनल पेन या हेडेक में यूज़ होता है और इसका डिफरेंट पार्ट्स मतलब रूट्स और जैसे कि लीफ स्टेम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ होता है। बिनी रुदाबा डालाई बा बिलाई फ्रा डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज यूज़ जाए। सो नोंथांमोन हाबो जानाय नाय। सो आंनि भिडिय' एसेयावनोसै। गोजोन्थों। तो नेक्स्ट भिडिय' पे मिलते हैं। बाय बाय।